हाय, स्टॉक इन फोकस की सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ कंपनियों के रिजल्ट देखने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिस्ट शेयर करता हूं अपने फेसबुक अकाउंट पे और टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं @finbiz24 के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल से आप जुड़िए और आपको जो है कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको लाभ भी होगा। साथ में मैं कुछ 8 से 12 स्टॉक के बीच में कुछ स्टॉक एडवाइस करता हूँ आपको। आप चाहो तो उसमें इंट्राडे पोजिशनल या फिर इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कुछ अवसर खोज सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे आज मैंने शेयर किया था केयरनेक्स, और उसी के साथ शेयर किया था सेलन, और उसी के साथ और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हमको लगता है कि दो तीन स्टॉक को छोड़ के बाकी सभी स्टॉक ने अच्छे परफॉर्म किए हैं। दोस्तों इसी तरह की आप रोज़ की लिस्ट की एनालिसिस कर सकते हो, फिर उसके बाद आप मुझसे जुड़ सकते हो। आपकी मर्जी है, अपने ऊपर। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक्स के ऊपर। ध्यान रहे, मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे देखना कि जो पहला शेयर है उसका नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब तक आपने इसके रिजल्ट को भाप लिया होगा, और यहाँ देखना कि 15,930 करोड़ का मार्केट कैप वाला यह शेयर जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए वैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इसमें मामूली सा करेक्शन भी आए, और इस करेक्शन में आपको एक अवसर ढूंढना चाहिए। रेलटेल जो है कि रेलवे के लिए डेटा सेंटर लगाने का काम करेगा पूरी रेलवे इंडस्ट्रीज के लिए, ये बात आप जरूर नोट कर लेना। हाँ, आपको एक मौका ढूंढना चाहिए। पी हालांकि थोड़ा सा हाई है, और जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए था वो आया नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कि ये डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी, या फिर यूं कहें कि अपने सेटिस्फैक्शन इतना बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली जितना हाइप था। तो इसमें करेक्शन होने के चांसेस हैं। एक बार इसके चार्ट को देखते हैं। दोस्तों चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक 440 के प्राइस पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर उससे भी नीचे निकला तो आपको मैं बता दूं कि ये स्टॉक फिर जो जाएगा, इसका जो प्राइस होगा ये करीब यहाँ के आसपास होगा। माफ़ करना, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ के आसपास होगा, 350 के आसपास। अगर हम और एक सपोर्ट एरिया खोजने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा कि ये स्टॉक ये स्टॉक 400 के आसपास आ सकता है अगर हम इस हिसाब से देखें। तो आपको तैयार रहना चाहिए मेंटली अगर आप हाई प्राइस पे खरीदे हैं तो, और नहीं खरीदे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार करिए। अगली जो कंपनी है दोस्तों SJS इंटरप्राइजेज। ध्यान रहे मैं सभी कंपनियों के बारे में नहीं बना रहा हूँ वीडियो, मैं कुछ कंपनियों चुनिंदा कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखना कि इसका मार्केट कैप कितना है, 2638 करोड़, 852 का प्राइस है, 27 का पी है, और रिजल्ट मुझे गुड लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखना कि 117 करोड़ से 189 करोड़ 61% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 28 से 49 74% की ग्रोथ, और 18 से 28 करोड़ हो गया है नेट प्रॉफिट, जिसमें कि 55% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर लें EPS की, तो EPS 5 से 8 हो गया है, यानी 55% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की ग्रोथ आपको क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखने को मिलेगी, ये बात आप नोट करके चलना। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो गुड है, आपको एक बार इसका चार्ट दिखाते हैं। दोस्तों चार्ट के हिसाब से यह स्टॉक अभी नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दे, ये जो इसका 885 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, ये इसके भी नीचे ऊपर निकल जाए, लेकिन उससे पहले 870 का प्राइस तोड़ना होगा। अगर इससे ऊपर निकलता है तो ये ज़रूर इसके ऊपर जाने वाला है। तो SJS में कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है चार्ट टेक्निकली भी, और साथ में अगर इसका रिजल्ट आया है तो उसके माध्यम से भी। बढ़ते हैं अगले शेयर पर। अगली जो कंपनी है दोस्तों GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। हालांकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले हैं इस कंपनी को हाल ही में। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 का पी है, प्राइस 1770 का है, लेकिन रिजल्ट जो है कि मायूस करने वाला दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2400 करोड़ की सेल्स, मोटा मोटी नंबर पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, 2500 करोड़ कर लेते हैं, 2500 करोड़ की सेल्स अब 2000 करोड़ की रह गई है, आप देख पाओगे, और 310 करोड़ का जो
नेट प्रॉफिट था वो 156 करोड़ रह गया है, 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो नंबर आते हैं ना, तो ऐसी कंपनियों में ये साइक्लिकल टाइप की कंपनियां लगती हैं जिसमें कि मैं निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ, ये बात आप समझ लेना। दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है वो चीज़ों के दाम के ऊपर भी निर्भर करता है, जो ये कॉस्ट इफेक्टिव कंपनियाँ होती हैं जिसमें कि मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी कंपनियों में। हालांकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम इसके थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए दोस्तों, ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक उस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे ऐसे स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, आपका अपना मामला है, मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं आया। पसंद का क्या मतलब है कि ये स्टॉक उतना दमदार तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा जितना मैं चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में अगर आप हैं तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप बाइंग प्राइस के आसपास हैं तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौका मिलेगा दोबारा से एंटर करने का। बढ़ते हैं अगले शेयर पे। अच्छा, अगली कंपनी है रत्न पावर। जी हाँ दोस्तों, रत्न पावर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये कंपनी रत्न इंडिया पावर। इसका जो रिजल्ट आया है वो गुड कहेंगे इसके रिजल्ट को, काफ़ी ज़्यादा जो है कि एक्सेलेंट नहीं कहेंगे, गुड हम इसके रिजल्ट को कह सकते हैं, एक्सेलेंट की श्रेणी में मैं इसे नहीं रखता। आप देख सकते हैं कि 10% से सेल्स, 117% से नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले शेयर पे। अगली जो कंपनी है दोस्तों GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसमें बहुत कुछ कहने को नहीं रह रहा है, मैं उससे आगे बढ़ जा रहा हूँ। आप देखना कि 30 का PE है, 983 करोड़ का मार्केट कैप है, 103 का प्राइस है, 9% की सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और EBITDA 74% से अप हुआ है, नेट प्रॉफिट 4.16 से 11.8 हो गया है, 184% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और EPS 0.44 से 1.23 से ग्रो हुआ है। दोस्तों ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बात कर लें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी, ये आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। इसका रिजल्ट कैसा है मेरे हिसाब से, इसका रिजल्ट एक्सेलेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड टू एक्सेलेंट इसका रिजल्ट है, ये बात नोट करके चलना GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड। अगली जो कंपनी है दोस्तों HPL इलेक्ट्रिक, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। आप देखना कि 312 करोड़ की सेल्स थी, अब 390 करोड़ हो गई है, 25% की ग्रोथ है और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब 16 करोड़ हो गया है, 160% की ग्रोथ है। लेकिन एक बात नोटेबल है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है HPL इलेक्ट्रिक में, जिसके कारण कि इसका जो रिजल्ट है वो मिक्स हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मिक्स क्यों जाए इस रिजल्ट में, मैं इस रिजल्ट को गुड कहता हूँ, एक्सेलेंट मेरे लिए नहीं है, तो इसमें गिरावट भी आ सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। बाजार को इसका रिजल्ट कैसा लगता है वो बहुत उम्दा बात होती है, लेकिन इसका रिजल्ट गुड है, ये नहीं कि आपके पास है तो आप इसमें से बेच के निकल जाएं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रहे अगर आप अपने बाइंग प्राइस के आसपास है किसी भी शेयर में और रिजल्ट खराब आया है तो मार्केट अपने हाई पे है तो वहाँ से करेक्शन भी आ सकता है, तो ध्यान रहे आपको यहाँ से निकलना भी, प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है। तो अगर आप आसपास हैं तो निकल जाइए, 100% 200% प्रॉफिट में है बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घाटे में है, 50% से ज़्यादा डाउन रिजल्ट आया है तो निकलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगली जो कंपनी है दोस्तों भारत वायर लिमिटेड, हालांकि ये सब रिजल्ट मैं ट्विटर टेलीग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ, आप चाहो तो जाके वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आप देख पाओगे कि मायूस करने वाला है, 158 करोड़ से 133 करोड़ की सेल्स, 16% डाउन है और नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से 18 करोड़, 24% डाउन है। यहीं पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हो कि ये रिजल्ट डाउन दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो इस रिजल्ट को मैं बैड ही कहूँगा, अच्छा रिजल्ट इसको हम नहीं कहेंगे। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते इसमें करेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, करेक्शन होगा और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ध्यान रहे भारत वायर एक अच्छी कंपनी है, ये मैं एनालिसिस करके बताया हूँ, लेकिन जब आपको एक अच्छे प्राइस पे खरीदना भी जरूरी हो जाता है। इसी तरह है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, आप देखना कि इसका रिजल्ट भी बैड है, मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट बैड है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है 54% से डाउन है और ऐसी कंपनियों में मैं निवेश करना बिल्कुल नहीं पसंद करता। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर सेक्टर में भी काम करता है, ध्यान देना दोस्तों, ये 54% से डाउन है, सेल्स 9% से अप है, सेल्स तो अप है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है और ये कंपनी साइक्लिकल टाइप की कंपनी है।
अगली कंपनी है दोस्तों काइसी इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में मैं वीडियो पहले भी बनाया हूँ। आप देखना कि 619 करोड़ का मार्केट कैप, 1950 का प्राइस है, और इसका रिजल्ट कैसा है। इसका रिजल्ट जो है कि गुड है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें हल्की सी गिरावट है, और ईयर ऑन ईयर आप देखिए कि 11% की ग्रोथ है सेल्स में, 72% की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। लेकिन इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई पी पी ट्रेड कर रही है। तो मैं इस प्राइस पे, भले रिजल्ट बेहतर हो लेकिन मैं इस प्राइस पे आपको कभी जाने को नहीं कहूँगा। थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, डायलूट होने दीजिए पी, फिर आप इस कंपनी को ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको कभी नहीं कहूँगा लेने के लिए। बढ़ते हैं अगले शेयर पर। रिजल्ट इसका कैसा है, तो रिजल्ट इसका गुड है, ये बात नोट करके चलना। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भागेगी, हो सकता है कि करेक्शन भी आए, क्योंकि अभी हाई प्राइस पर ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। आईटीसी का जो नंबर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, इसका जो रिजल्ट है ये फ्लैट है। जी हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट फ्लैट आया है, 7% सेल्स अप हुआ है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 4903 करोड़ से 4917 करोड़ हो गया है, यानी 1% की भी बढ़ोतरी नहीं है। तो आप इसको नोट करके चलना, फ्लैट रिजल्ट है, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद मत करिएगा। दो कंपनियां हैं जिसका रिजल्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। पहली कंपनी है टाटा मोटर, आप देखना कि 6% से सेल्स अप हुआ है, ये हो गया आपका ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स तो घटा है। और वहीं बात कर लें नेट प्रॉफिट 345% से अप है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन सेल्स घटा है। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने अपने एक डिवीजन को अलग करने का फैसला किया है 1:1 के रेशियो में, तो इसका रिजल्ट मुझे एक्सलेंट लगा है। इसके रिजल्ट में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये कंपनी यहाँ से भागने की भी कोशिश करेगी। तो अगर आपके पास है तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक किस रेशियो में अपने अपना जो बिजनेस है अलग करने वाले हैं, 1:1 रेशियो में दोस्तों। तो टाटा मोटर को आप फोकस में रख सकते हो कल के दिन। अगली जो कंपनी है उसका नाम है जोमैटो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जोमैटो 2,00,000 करोड़ का मार्केट कैप, 234 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और नेट प्रॉफिट 12,550% से अप है, 2 करोड़ से 253 करोड़ हो गया है। तो ये लाइमलाइट में रहने वाला शेयर है, और मैं बता दूं कि इसमें ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि इसका रिजल्ट कैसा है, तो इसका रिजल्ट सुपर डुपर हिट है। जी हाँ दोस्तों, सुपर डुपर फिट इसका रिजल्ट है, एक्सलेंट से भी ऊपर है इस समय फिलहाल में। तो ये लाइम लाइट में रहेगा, कल के दिन खुलते ही इसमें हो सकता है कि अपर सर्किट लग जाए। अगला जो शेयर है प्रिंस पाइप, लेकिन इसका रिजल्ट प्रभावित करने वाला नहीं लगा है, आपको मैं बता दूं। आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, सेल्स में भी ऐसा हाल है। तो रिजल्ट पसंद नहीं आया मुझे प्रिंस पाइप का, हो सकता है कि इसके चलते फिर से करेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये रहा कुछ कंपनियों के रिजल्ट, आपको इनके रिजल्ट कैसे लगे आप मुझे बताना। आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं जो कि जिसके कि रिजल्ट बेहतर है, आप कमेंट कर सकते हो। और किसी के बारे में आपको विस्तृत वीडियो चाहिए तो बताना। धन्यवाद।